कह रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसा देश पर ऐसे बीजेपी पार्टी जैसी ऐसी पार्टी बता दो, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस में हुड्डा हुड्डे का लड़का, और भी तो पार्टी होगी, और भी तो बंदे होंगे हरियाणा में कांग्रेस के, ये सिर्फ हुड्डा ही है और कोई नहीं है। श्री राम के अलावा किसी को नहीं जानते हम। राहुल गांधी हमको आइकॉन, चोर है वो, चोर राहुल गांधी, चोर है, चोर है, चोर है। हुड्डा जी तो कह रहे हैं हमारे यहाँ हुड्डा, नहीं वो नहीं आया यहाँ। राहुल गांधी 3 दिन के लिए हरियाणा में आए, उससे होगा कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं होता, वो तो पाकिस्तान की बोली बोलता है, बात यह है यहाँ से राहुल गांधी आ गए तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा यहाँ। कांग्रेस भी कह रही है बुजुर्गों को 6,000 रुपए देंगे, कुछ नहीं देते वो, खटाखट पहले 8,500 रुपए दे रहे थे, वो कहाँ गए? क्या लग रहा है यहाँ माहौल हरियाणा? जो लाला जी ने कह दिया यही माहौल है सारा, एक ही माहौल है हमारा। तो राहुल गांधी का कुछ होगा, वो 3 दिन के लिए आए हरियाणा? मैं तो कुछ नहीं कह सकता जी, कुछ नहीं होगा जी उसका, कुछ नहीं होना, ना आज होना ना आगे होना कभी। ऐसी मानसिक रखने वाला हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं बन सकता, जो हिंदुस्तान की बाहर विदेशों में जाके बदनामी करे, हिंदुत्व को बदनाम करे कि वो हिंसक है, फलाना है, धिमका है, ऐसा आदमी आज नहीं आगे भी कभी नहीं बन सकता, आगे भी कभी नहीं बन सकता। वो खटाखट दे रहे, वो खटाखट सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोल सकता है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। अगर वो उसको यही मालूम नहीं कि 8,500 रुपया एक आदमी एक परिवार को देने के बाद कितना बजट बनता है, हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी बढ़ती है, उसको हिंदुस्तान की संस्कृति से, हिंदुस्तान की जमीनी लेवल से उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो तो 3 दिन के लिए हरियाणा आ गए, वो 3 दिन के लिए आए थे, यहाँ बैठ जाए आकर के, उसको कुछ नहीं यहाँ पे। अगर वो यहाँ परमानेंट भी बैठ जाए ना, तब भी उसके लिए यहाँ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। नायब जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसा हाल होगा, जैसा देश पर ऐसे बीजेपी पार्टी जैसी ऐसी पार्टी बता दो, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, जो आदमी किसी को ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, काम करने वाले को कहती है ये तू काम कर, और इन्होंने क्या शुरू से देख लो, इंदिरा गांधी, पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इन्होंने कोई ऐसा इनके अलावा कोई और प्रधानमंत्री बनाया, कोई चीफ मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस में हुड्डा हुड्डे का लड़का, अरे और भी तो पार्टी होगी, और भी तो बंदे होंगे हरियाणा में कांग्रेस के, ये सिर्फ हुड्डा ही है और कोई नहीं है। शैलजा ने कहा मैं बनूंगी तो उनको किनारा कर दिया जाति सूचक शब्द के, अरे जिनको जो सुलते हुए है ना उनको ये साइड कर देते हैं उसी टाइम। अच्छा। कि भी तुम्हारा पर्चा ना कट जाए और ना कोई आ जाए बस। अब राहुल गांधी है इसको अध्यक्ष बनाया, कोई एक हिंदुस्तान के अंदर कोई एक आदमी ये बता दे कि उसके अंदर ये खासियत है इसलिए उसको अध्यक्ष बनाया? वो कहते हैं युवा है, युवा 54 साल का आदमी युवा होता है? अरे शादी उसकी हुई नहीं अभी तक बेचारे की, वो कहाँ युवा रहेगा बताओ, कहाँ युवा रह गया वो ये बता दो, कहाँ युवा रह गया? बीजेपी ने क्या कर दिया 10 सालों में यहाँ? बीजेपी ने वही काम जो आज तक 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वही बीजेपी ने किया है। हरियाणा में अंबाला से ठीक करके चंडीगढ़ से निकल गए और हिसार तक राजस्थान में मिल जाती थी सड़क, वहां तक इतने खड्डे होते थे। शुरू में जब प्रधानमंत्री मोदी आया शुरू में ऐलान करके गया था कि भी ये सड़क चौड़ी होगी, आज हरियाणा का कोई कोना नहीं है जो सारे नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा पाओ। अरे हुड्डा जी कह रहे हैं हम आ रहे हैं 5 तारीख के बाद, वो सपने देखते हैं, सपने देखते रहेंगे, जैसे जैसे राहुल गांधी देखता है वैसे हुड्डा साहब देखते ही रह जाएंगे सपने। हुड्डा लोगों को क्या अपील करेंगे, 5 तारीख को वोट हो जाएगा? हमारे सारे सगे सावे भाई बंधुओं को यही अपील करेंगे कि समर कमल का फूल पर बटन दबाना और कहीं देखना ही नहीं, ऊपर से नीचे कहीं देखना ही नहीं कुछ भी। खट्टर जी ने इतने अच्छे काम किए तो नायब जी को क्यों बनाया? खट्टर जी को उन्होंने सेंटर में लेना था, खट्टर जी को आदमी को प्रोग्रेस करता है ना, अब मान लो पहले टीचर लगा हुआ है फिर उसको हेडमास्टर बनाते हैं फिर उसको प्रिंसिपल बनाते हैं, वो ऐसे ही उनको तो उनका काम अच्छा देखा उनको सेंटर में ले गई। नायब जी ने क्या किया 56 दिनों में? अरे 56 दिनों में वो ही उसको तो उम्मीद भी नहीं कर सकते जो उसने नहीं किया, वो क्या क्या नहीं किया उसने, जो जो हो सकता था उसने किया, और अभी दोबारा बना के देखना अभी क्या क्या होने वाला है, नक्शे में बदल जाएगा हरियाणा का रूट बदल जाएगा, लोगों को फोन तक चलाना नहीं आता था, आजकल कुछ भी नहीं करना आता था, आज इस टाइम हरियाणा इतना प्रोग्रेसिव हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है।
एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में ये कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, ये किसान का, किसानों का जिसने जितना इतना इन्होंने सोचा है, किसी ने भी नहीं सोचा आज तक। हुड्डा जी में क्या होता था किसानों के लिए? हुड्डा ने तो सिर्फ अपना रोहतक रोहतक कोलक बनाया है, रोहतक की सड़कें बनाई, रोहतक का राज हो गया, और हरियाणा में क्या और कोई जिले नहीं है, सब सिर्फ जाटों को लगाया, जहाँ नौकरी पर सिर्फ जाटों को लगाया, सिर्फ पर्ची खर्ची पे। उनके मुंह पे कहने वाले हैं कि 16 लाख रुपए दे करके हमने नौकरी पाई है, आप कहाँ वोट मांगने आ रहे हो। उनके खुद कार्यकर्ता ने ये बात बोली है। जो उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक में वादे किए थे वही वादे आपके हरियाणा में हो रहे हैं, तो आएंगे यहाँ के लोग? मतलब नहीं मानता, हरियाणा का लोग समझदार है, पढ़ा लिखा लोग हैं, पहले सियाने होते थे जो उनकी बातों में आ जाते थे, आजकल युवा जो है पढ़ा लिखा सब समझते हैं इनकी हरकतों को, क्या किया इन्होंने क्या नहीं किया। अब देख लो हिमाचल में देख लो, तनख्वाह देने के लिए जो है नहीं, उनके खुद की कहते हैं कि हाँ ये कर दो वो कर दो। वहाँ महिलाओं से बोला था 1500 देंगे, आज तक नहीं दिया। 1500 ये तो मैं कहूँ 1 रुपया नहीं दे सकते, 1500 की क्या माद रहेगी, जब उनका खुद का खाने के लिए तो देंगे किसको वो। अरे भाई देंगे तो तभी ना जब उनके पास होगा, जब मेरे पास 10 रुपये होंगे तो तभी तो मैं आपको दे सकता हूँ, जब मेरे पास खुद नहीं होगा तो आपको क्या दूंगा मैं। उनके पास कुछ नहीं है। ओके भाई जिंदाबाद। सज्जन कुमार मंगला, आज आपके सीएम नायब सिंह सैनी ये कहा है कि जो कांग्रेस है जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वादे कर रही थी हमारी सरकार आ रही है, वैसा ही हाल उनका यहाँ हरियाणा में होगा, तो क्या सही कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हरियाणा में तो होना है, बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पर, नायब सैनी वर्ग का सीएम होना चाहिए यहाँ पर, उसको समय थोड़ा मिला है, समझे नहीं, उसको ज्यादा समय मिलता तो यहाँ वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती। अच्छा, हाँ, क्या क्या काम किए हैं नायब जी ने यहाँ? बहुत काम किए हैं, सारे ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किए हैं। राहुल गांधी 3 दिन के लिए हरियाणा में आए, उससे होगा कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, वो तो पाकिस्तान की बोली बोलता है, बात यह है। यहाँ जब राहुल गांधी आ गए तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा यहाँ। अच्छा, हरियाणा में भी बांग्लादेश? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या काम कर रहे हैं ऐसा राहुल गांधी? गलत बोलता है, लैंग्वेज गलत है, जुड़ा हुआ उनके साथ, ठीक है ना। नायब जी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, उससे यहाँ के लोग बहुत नाराज हैं राहुल गांधी से। बहुत ज्यादा, आरक्षण कैसे खत्म कर देगा वो, ये तो पहले से बोल रहे हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। तो ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हरियाणा में? वो तो कांग्रेस जानती है, सब फूट पड़ी हुई है, राहुल गांधी कुछ बोलता है और कुछ बोलते हैं, बात ये है। अब जब भी तो हरियाणा में बीजेपी की लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है, 52-55 सीट दिखा रही है अभी बीजेपी। हार की वजह से आ ही नहीं रहे? आ ही नहीं रहे हार की वजह, वो बुखलाए हुए हैं सब। हारा होगी बीजेपी, जीतेगी नायब सैनी सीएम बनेगा, तीसरी बार ट्रिक लगाएगी बीजेपी। तो यही वजह है कि 2 बार घोषणा पत्र निकालना पड़ा उन्हें। और क्या, जब वो 2000 रुपये दे रहे हैं, बीजेपी 2100 रुपये दे रही है, ठीक है ना, स्कूटरी दे रही है बच्चों को, बात यह 10वीं के बाद बहुत कुछ घोषणा पत्र है बीजेपी का। कांग्रेस भी कह रही है बुजुर्गों को 6000 रुपये देंगे, कुछ नहीं देते वो, खटाखट पहले 8500 रुपये दे रहे थे, वो कहाँ गए? खटाखट में 8500 रुपये खटाखट देंगे, कहाँ मिले किसी को? उसी लिए तो पहले हमारा वोट बैंक कम होया, 85 रुपये। नाराज हैं यहाँ के लोग? वो पूरे नाराज हैं। आपका नाम क्या सर? ज्ञान चंद महाराज। गीता शर्मा। अब ये बताइए, हम पंचकुला में आए हैं, क्या माहौल लग रहा है? 5 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग हो जाएगी, जीत हमारी होगी, बीजेपी जीतेगी, जीत हमारी है, निश्चित है हमारी जीत। जो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाली हो जाए, ऐसी होगी यहाँ कांग्रेस हार गई थी? देखिए आपको भी पता है, सभी को पता है, बीजेपी की जीत निश्चित है। फालतू की बातें हम नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। महिलाओं को 2000 रुपये बोलने में राहुल गांधी, राहुल गांधी की छोड़िए, हमारी जो पार्टी हो रही है वो हमारी 2100 बोल रहे हैं, हमारे तो 2100 ही बोल रहे हैं, 2000 से भी ऊपर आ रहे। लाडो योजना चल रही है हमारी भी, तो 2100 बोल रहे हैं हमारे तो। आपका क्या कहना है, 5 तारीख को वोट हो जाएगा आपके यहाँ? बहुत जोर से वोटों से, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे हम। जिंदाबाद ज्ञानचंद गुप्ता, जिंदाबाद मोदी जी। देनी है फुल देनी। आपका नाम क्या सर? राकेश गरग। क्या लग रहा माहौल आपके पंचकुला? कोई हैट्रिक होनी है, पक्का ही होगी इस बार, और ये कोई माहौल नहीं है अभी, माहौल तो जनता के साथ है, बीजेपी जीतेगी 100% जीतेगी। नायब जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसा नहीं, हम तो पंचकुला के वासी हैं, पर ज्ञान जी को जीते आगे हटेंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी तो एक ही रैली की है अभी हरियाणा में, आ क्यों नहीं रहे हो यहाँ? ये हमने तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ उनके टक्कर का कोई नहीं है, यहाँ ज्ञान जी जीतेंगे, बहुत बहुमत से जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे, कोई नहीं है टक्कर में हम। सत्यनारायण गोयल। अब ये बताइए, हम आपके पंचकुला में आए, क्या माहौल लग रहा है यहाँ? बड़े टफ कंपटीशन है,
और मुझे पर्सनली पूछो तो चंद्रमोहन का पलड़ा भारी दिखता है। अच्छा, कौन आएगी सरकार, किसके सरकार बनने वाली है? तो ये राहुल गांधी और बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे हरियाणा में कांग्रेस है? झूठ बोला, बोला फटाफट चटाखट देंगे पैसा 8500, वो नहीं आया। हिमाचल में पेंशन 10 तारीख को मिली, वो कुछ नहीं, 1500 नहीं मिला है। झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया। अब राहुल गांधी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती और सुखविंदर सुख सरकार अब बोलती है भर्ते एम्प्लॉयज के और अपने खर्चे बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं। अब हम पेंशन और जो सैलरी वाले हैं कहते हैं उनके पैसे, किसी का कोई डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो रहा है नील। अब राहुल का कुछ नहीं बोलता, ये लोगों को झूठ बोल के लोकसभा में इसने जो सीटें कमाई है वो झूठ बोल के फटाफट खटाखट अब सफा चट हो गई। हाँ यस ओके, राहुल गांधी कह रहे हैं यहाँ पर युवाओं को 2 लाख नौकरी देंगे सरकारी। अरे पहले खुद की सरकार तो बचा लो, नौकरी तो बाद की बात है। अपील करेंगे हरियाणा के लोगों से? मैं अपील करना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि यहाँ की हरियाणा के जो लोग हैं वो बीजेपी को फिर से दोबारा मैदान में उतारेंगे। जय श्री राम। पंचकुला में कौन जीत रहा है? बीजेपी। नाम क्या सर आपका? मुकेश मित्तल। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ? नहीं बीजेपी जीतेगी, लेकिन काम किया बीजेपी ने 10 साल में? काम तो बहुत हुए, इससे ज्यादा क्या काम होंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है। नहीं नहीं बहुत काम हुए हैं, मतलब गुंडागर्दी खत्म हुई है, व्यापारी को यहाँ पे मतलब कि वो मिला है, सहायता मिली है और सबके लिए काम हुआ, किसानों को डबल रेट मिला पहले से। तो सैनी जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली हालत हो जाएगी कांग्रेस की, वैसा होगा? मतलब ऐसा है नहीं, बीजेपी की सरकार ही आनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के लिए बहुत, सबके लिए काम हुआ है, गरीबों के लिए, सब किसानों के लिए, सबके लिए काम। देखा होगा आपने कांग्रेस ने 2 घोषणा पत्र निकाले हैं हरियाणा के लिए। हाँ। उसमें कह रहे हैं बुजुर्गों को 6000 रुपये फ्री में देंगे। नहीं नहीं वो तो बीजेपी दे ही रही है, किसानों को भी दे रही है और आजकल तो लेडीज को भी देगी, मतलब 2000 रुपये मंथली। बीजेपी पे भरोसा है? भरोसा बीजेपी के भरोसा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और मतलब सबसे ज़्यादा शांति चाहिए और सबसे ज़्यादा मतलब सुरक्षा चाहिए। हरियाणा को चुनाव खत्म होने वाला है लेकिन राहुल गांधी अभी तक आए नहीं है। नहीं राहुल गांधी तो 2-3 रैली हरियाणा में की है, अम्बाला अम्बुला में और में, लेकिन पंचकुला में नहीं आया। हम क्या कहेंगे, हम तो जय श्री राम कहेंगे। और जी की रैली आई थी? और आई थी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। जय श्री राम के अलावा किसी को नहीं जानते हम। राहुल गांधी आम गो आईकॉन। चोर है वो, चोर राहुल गांधी, चोर है, चोर है, चोर है। हुड्डा जी तो कह रहे हैं हमारे यहाँ हुड्डा। नहीं वो नहीं आया यहाँ, वो नहीं आया, नहीं वो तो फ्री में पैसे बांट रहे। नहीं नहीं वो उसके पास पैसे आएगा, वो तो पहले का खजाना चुरा के रखा है, इसलिए है उसके पास पैसे। अब कहाँ पैसे रखे,